नौकरशाही से राजनीति के गलियारों में पहुंचे विधायक अरविंद शर्मा का यूपी के बजट पर जवाब सुनिए। बजट जो है इसका अगर हम अंतिम पन्ना पढ़ें तो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को राज्य की जनता के प्रति समर्पित किया है, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये बजट उससे भी ज्यादा नए भारत के लिए समर्पित है, न्यू इंडिया के लिए समर्पित है, आधुनिक भारत के लिए समर्पित है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, श्रेष्ठ भारत और भव्य भारत के लिए समर्पित। अंधेरी गलियों से यूपी पावर हाउस बना सरकार का एजेंडा सबका साथ और सबका विकास है, और योगी सरकार ने इसके लिए पूरी जी जान लगा रखी है। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस के 50 साल से ज्यादा के शासन की वजह से देश और यूपी के विकास के लिए काला अध्याय साबित हुआ, जिससे हम पिछड़ गए। इस पूरी बात को मूल्यांकन करता हूं। 1947 से लेकर 1988-89 तक ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, इस राज्य की बात कर रहा हूं, पूरे देश में तो रही ही है, 60-70 वर्ष इन्होंने शासन किया है। उन दिनों में मुझे याद है 87-88 में हम लोग पढ़ाई के अपने आखिरी दौर में थे, 88 में मेरा आईएसएमई सिलेक्शन हो गया। उस दिन तक माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हम इलाहाबाद पढ़ते हुए गांव जाते थे तो 150-200 किलोमीटर की दूरी पूरे दिन हम लोग 8 बजे 7 बजे इलाहाबाद से निकलते थे और 8 बजे शाम को घर पहुंचते थे। 200 किलोमीटर की दूरी पूरे दिन 12 घंटे में हम लोग तय करते थे। वो कांग्रेस का राज था। हम लोग उन दिनों में भी गांव में जब जाते थे तो लालटेन में या ढेबरी में पढ़ाई करते थे। बिजली का नामो निशान नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान नहीं था। ये क्या बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था माननीय अधिष्ठाता महोदय। इनके पूरे शासन काल में 47 से लेकर के 88-89-90-92 तक की बात करें, और आज भी उस बीमारी का असर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब बीजेपी ने देश और यूपी को उस अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला दिया, और विकास की चौगुनी रफ्तार यूपी को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमर कस के उन परिस्थितियों में से राज्य को निकालने का प्रयास कर रही है।